दोस्तों रंजना किन्नर ने जो किया वो गलत है, पर यहाँ पे गलत तीनों हैं। रंजना ज्यादा फैल चुकी है और जो गंदगी फैला उसको सजा तो जरूर मिलना चाहिए। होएगा वही पाएगा। दोस्तों रंजना किन्नर की बात कर रही हूँ मैं, तो रंजना किन्नर जो है जैसा कि है वैसा उसके साथ हुआ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बताओ, किन्नर तो भगवान का रूप होते हैं ना, किन्नर लोग भगवान का रूप होते हैं, सब लोग उनको भगवान का ही दर्जा देते हैं, इतना कहते हैं ना सब लोग कि उनका एक आशीर्वाद मिल जाए, उनके मुंह से कुछ अच्छा निकल जाए तो ज़िंदगी बदल जाती है। पर रंजना जो है क्या की, कितना गलत की ना, बहुत ज़्यादा गलत की, और उसकी सज़ा रंजना को मिल रही है। दोस्तों मैं यही कह रही हूँ कि ऐसे लोग ना समाज में जो है बहुत गंदगी फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, चाहे वो किन्नर हो, चाहे औरत हो और चाहे आदमी हो, ऐसे लोगों को सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए, ठीक है। और इस समाज को सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा औरत ही गंदा कर रही है, औरत बहुत ज़्यादा समाज को औरत ही गंदा कर रही है। अगर वो औरत सही होती जिसका वीडियो रंजना ने बनाई, तो कैसे रंजना जो है उसको वायरल करती। गलती इसने जितनी रंजना की है ना, उतनी ही गलती उस औरत की भी है और उस आदमी का जिसके साथ वो लोग संबंध बना रहे थे, ठीक है। इसीलिए सजा के हकदार केवल जो है रंजना नहीं, तीनों के तीनों, आदमी, औरत और रंजना, तीनों है। तो दोस्तों अगर इस बात से सहमत है ना, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।